हरि हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ते काज सब आज भए कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। छत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और इस ग्रंथ में जीवंदर कुमार उनका चिंतन और उनका विचार बड़ा मार्मिक है। जो देह के प्रति वैराग्य और विरक्ति दिलाने वाला है, शरीर के प्रति इस जीव का कितना मोह रहता है, दिन रात शरीर शरीर के पीछे पागल हुए जा रहा है। जो देखो सो सब शरीर के पीछे, खाता है तो शरीर के लिए, नहाता है तो शरीर के लिए, सोता है तो शरीर के लिए, घूमता है तो शरीर के लिए, जो काम करता है सब शरीर के लिए है। आईने के सामने से निकलता है तो चेहरा देखते हुए निकलता है, कैसा दिख रहा हूँ, माने शरीर शरीर के पीछे आप देख लो। इसलिए कितनी सुंदर पंक्तियाँ युगल जी बाबू जी की जो है भजन की पंक्तियाँ, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता। क्या क्या सब क्या था, जिसके श्रृंगारों में मेरा, जिसके श्रृंगार करने में, जिसको सजाने में, जिसको संवारने में है। मुझे रखने वाले लोग जानते कितनी मेहनत होती है मुझे रखने आसान नहीं है उसको संभालना। एक एक बाल को देखता है कैसे कैसे करना है, बाल काले से सफ़ेद तो नहीं, सफ़ेद से काले करता है, एक एक बाल देखता है। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता। और शरीर कैसा है, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। इस चेतन आत्म तत्व का कोई नाता नहीं है इस शरीर के साथ में। और सुबह उठने से लेकर इस शरीर की साथ संभाल शुरू होती है सुबह उठने से, और रात को सोते तक और सुबह वापस उठने तक शरीर 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 इसको संभालता रहता है। ये है कैसा, अत्यंत अशुचि, अशुचि नहीं, अशुचि माने होता है अपवित्र, शुचि माने पवित्र, अशुचि माने अपवित्र, अत्यंत अशुचि। और कैसी जड़, बेजान इस काया से इस चेतन तत्व का मेरा कैसा नाता है, जो मैं जन्म से लेकर मरण तक इस शरीर शरीर के पीछे पड़ा रहता हूँ। हाँ, और शरीर को संभालने में जो मैं खुद हूँ, अपना जो स्वरूप है उसे भूल गया। ये यहाँ समझा रहे हैं, देखो इस शरीर के बारे में विचार तो करो। कई विद्वानों ने हाँ ब्यूटी पार्लर खुले हैं, पहले के जमाने में तो नहीं होते थे ये सब सजने संवरने के लिए। और देखो शादी विवाह के प्रसंगों पर वो घर की महिलाएं जा जा करके जो वो सजती है, वहाँ हमने कभी दो दिन ऐसा देखा कि जिनके यहाँ शादी में गए थे हम दो दो तीन तीन घंटा रुक करके आ गए, लेकिन वो पार्लर से ही नहीं आए, बिना मिले ही आए। अब बोलो, बड़ी मुश्किल से उनके यहाँ गए जिन्होंने बुलाया था, जिनका आग्रह था, और हम रुकते नहीं किसी के यहाँ ज़्यादा। अपन रुकने का कितना कितना रुके, आधा पौन घंटा एक घंटा इंतजार करते करते कि आवाज आए, 3 घंटे रुके, और फिर अंत में बिना मिले ही आना पड़ा। ये थे कहाँ कि पार्लर, ब्यूटी पार्लर के गए। अब बोलो ये हालत है, दिन रात लगे रहते हैं हम इस चक्कर में।
शरीर शरीर के चक्कर में, इसको सजाने संवारने के चक्कर में, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। शास्त्रकारों ने ऐसा लिखा है, पुराने ग्रंथों में इस प्रकार की बातें मिलती है। यह शरीर तो कृतघ्नि है। क्या क्या शब्द है? कृतघ्नि माने क्या होता है? बचपन में दो शब्द पढ़े होंगे, कृतज्ञ और कृतघ्नि, अपोजिट है, बच्चे नहीं है आज क्या बात है। कृतज्ञ माने किए हुए के उपकार को मानने वाला, वो कृतज्ञ। और कृतघ्नि माने कितना भी उपकार करो उपकार को भूल जाए। ये शरीर तो कृतघ्नि है, ये विद्वानों के आचार्यों के वचन है। क्यों क्यों कृतघ्नि कहकर के पुकारा है? क्योंकि बोले तुम शरीर को कितना भी संभालते रहो ये तुम्हें धोखा दिए बिना नहीं रहेगा। क्या कब धोखा दे जाए? आंखें कब धोखा दे जाए? कान कब धोखा दे जाए? घुटने कब धोखा दे जाए? शरीर का कौन सा पार्ट कब काम करना बंद कर देवे? ये बहुत धोखेबाज है ये शरीर। तुम दिन रात इसके पीछे पड़े हुए हो, ये शरीर तो तुम्हें संभालता नहीं है। और तुम शरीर के चक्कर में अपनी लाइफ, अपना जीवन और अपने जीवन के बहुमूल्य क्षण वो बर्बाद कर रहे हो। विश्वास नहीं होता। देखो ये सारी बातें यहाँ इस विशेषार्थ के माध्यम से हम आगे बढ़ाने वाले हैं। पेज नंबर है 338 और श्लोक है 39, 39 नंबर का ये श्लोक है। कल हमने पढ़ा था भाई, क्या करें, कर्माधीनता है, बेचारे लाचार हैं, समझते हुए भी कर नहीं पा रहे हैं, समझने का मौका नहीं मिल रहा है। देखो विशेषार्थ में श्लोक में आया हुआ कर्माधीनत्व शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्माधीनत्व, शरीर से मोह करने वाला अज्ञानी जीव स्वयमेव ही जो मोह करता है ना शरीर से, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। देखो जो लोग शरीर को अपना नहीं मानते उनके सामने मौत की परिस्थिति भी आ जाए तो भी वे तकलीफ नहीं पाते। क्या है? छूटेगा, छूट जाएगा। और जो शरीर को अपना मानते हैं उनकी हालत क्या होगी बताओ? आप जानते हैं ये एक छोटी सी चीज, एक रुमाल कहीं छूट जाए, आजकल मोबाइल ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखता है सबको, कहीं छूट जाए और निकल करके आगे बढ़ जाए क्या, तो तुरंत देखते हो मोबाइल नहीं है। अभी की घटना 15 मिनट पहले की, मैं निकला वहाँ से घर से, तो निकलने पर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, आपको ध्यान है आपके सामने वापस घूमा था मैं, तो क्या हुआ, मोबाइल घुमाया, छोड़ाया गाड़ी में रह गया, मोबाइल लेने के लिए वापस गया, ज़्यादा दूर नहीं, मैं तो छोड़ भी देता, मुझे कोई फर्क नहीं क्योंकि सुरक्षित तो था ही, लेकिन रिकॉर्ड करना था यहाँ, मैं वापस, ये छूट जाए थोड़ी देर के लिए और कदाचित 10 मिनट देर हो गई आपको और पता नहीं, और जहाँ भूल करके आए थे वो 1-2 किलोमीटर दूर रह गया, आपने पीछे से फ़ोन मिलाया और वो स्विच ऑफ आ रहा है, बोलो कितनी घबराहट होती है। क्या क्या गया भैया, क्या चीज़ गई है? एक फ़ोन। कितना महंगा होगा? 25,000 का, 50,000 का, 1,00,000 रुपये का आईफोन होगा आपके पास, 1,00,000 रुपये का होगा, इससे महंगा तो नहीं। एक चीज चले जाने पर आप कितने तकलीफ पाते हैं, कितने विचलित हो जाते हैं, आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं। आप जानते हैं ये शरीर जब छूटेगा तो कितनी कितनी तकलीफ होगी? अकेला शरीर नहीं छूटेगा, क्या क्या वस्तुएं, क्या क्या पदार्थ नहीं छूटेंगे आपको इसकी कल्पना भी नहीं है। एक वस्तु के चले जाने पर इतनी तकलीफ होए, और आप कल्पना करो मोबाइल के साथ साथ में, मोबाइल रखा था आपकी गाड़ी में, मोबाइल तो गया ही और मोबाइल के साथ साथ में गाड़ी और चले गई, अब तकलीफ कितनी होगी। गाड़ी के साथ साथ में उसमें पैसे रखे थे और रखे थे, सब कुछ चले गए, कागजात भी चले गए गाड़ी के, अब आप रिपोर्ट भी लिखवाओ तो क्या कुछ कुछ नहीं है हमारे पास में, क्या कहकर के रिपोर्ट लिखवाओगे वो आपकी थी और क्या थी, कितनी तकलीफ होगी। और इतनी तकलीफ के साथ साथ में मान लो घर में किसी की डेथ हो जाए,
घर के बच्चे मर जाएं, माता पिता का स्वर्गवास हो जाए, पत्नी चले जाए, पति का स्वर्गवास हो जाए, अब वो लोग क्या कहते हैं। और यहाँ से घर जाओ क्या, जैसे तैसे तो घर पहुँचे तो पता लगा कि वो घर टूट गया, बोलो खंडर हो गया, अब बतलाओ तकलीफ। हालत कैसी हो जाती है। अब जितने बैंक में हैं पैसे वो तो मिल जाएंगे, टूटे फूटे खंडर से चेकबुक निकाली और बैंक गए तो मालूम चला बैंक बंद है, बैंक का दिवाला निकल गया, बैंक लूट गया था, तो वो तो अभी किसी को पैसे नहीं दिए जा रहे, कुछ नहीं, बाद में जब होगा तब होगा। बोलो क्या स्थिति होती है। ये तो अभी तो कुछ भी नहीं गया है, गया क्या है, तन पे कपड़े तो हैं तुम्हारे, थोड़ा बहुत तो है। मौत वो परिस्थिति है जब सब कुछ चीजें एक साथ छीन ली जाती है, सारी चीजें छीन ली गई, एक साथ ही चली गई सबकी सब। भाई ऐसा नहीं कि धीरे धीरे जाएंगी, अभी तो जिन संयोगों का वियोग हो रहा था भैया वो धीरे धीरे हो रहा था, धीरे धीरे जा रही थी सब। अब जब मौत आएगी तो मौत का मतलब क्या है, हमारे से सारे संयोग, पूरा परिवार एक साथ मर गया हमारे लिए, उनके लिए हम मरे और हम चले गए, तो एक प्रकार से पूरे परिवार से वियोग हो गया ना। धन दौलत वैभव परिवार संपदा सब कुछ एक झटके से छीन लिया जाए, उसका नाम है मरण, उसका नाम है मौत। किसको होती है तकलीफ, जो शरीर को अपना मानता है उसकी वेदना की कल्पना नहीं कर सकते आप, और जिसने शरीर को अपना नहीं माना, अब वो शरीर से कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, बीमार हो तो हो, कष्ट पाए तो पाए, छूटे तो छूट जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। बोलो इतनी तैयारी होती है क्या ज्ञानियों की, इतनी इतनी जबरदस्त तैयारी हुआ करती है। अभी तो अपने यहाँ तीन विद्वानों की डेथ हुई साल डेढ़ साल साल सवा साल में, और तीनों विद्वानों का समाधि पूर्वक मरण हुआ, उत्तम चंद जी का छिंदवाड़ा में समाधि पूर्वक मरण, ज्ञान चंद जी का विदिशा में समाधि पूर्वक मरण, और अभी धन्य कुमार जी बेलोकर का गजपंथा में। बहुत काम किया उन्होंने महाराष्ट्र में, बहुत विकास के लिए, सारे गजपंथा क्षेत्र का विकास पूरा उनका कराया हुआ है, बहुत बहुत काम किया है, और अंत समय में सब कुछ धीरे धीरे त्याग करते हुए कितने शांत परिणामों से छूटे छूट जाएगी, क्या फर्क पड़ेगी। तत्व ज्ञान का प्रताप है ये, वेद विज्ञान की महिमा। देखो आप यदि तकलीफ से बचना चाहते हैं, आप यदि परेशानियों से बचना चाहते हैं, आप शरीर से भिन्न आत्म तत्व का अनुभव करो, जो पीछे चर्चा चली थी, तुम इस बात को स्वीकार करो कि मैं आत्मा हूं। हाँ ये स्वीकार तो करो इस बात को, किस बात को स्वीकार करना है सब, तेरा कर्तव्य क्या है, अपने आत्मा को या अपने आप को निजात्म तत्व स्वीकार करना ही कर्तव्य है। सातवें लंबू का 18वें नंबर का श्लोक क्या याद रखना दिमाग में, बहुत महत्वपूर्ण लाइन थी वो जो पीछे हमने 18वें नंबर के श्लोक में पढ़ी है, हमेशा याद रखने योग्य है। कभी भी प्रसंग चले और अपना कर्तव्य याद करना हो तो याद करना क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ के 7वें लंब के 18वें नंबर के श्लोक में आचार्य देव ने कहा, अपने आप को आत्मा स्वीकार करना तेरा कर्तव्य है, ये काम कर। तू अपने आप को शरीर मत स्वीकार कर, तू अपने आप को जवान मत मान, तू अपने आप को बूढ़ा मत मान, तू अपने आप को गरीब अमीर मत मान, तू अपने आप को दरिद्री दीनहीन मत मान, तू अपने आप को क्या स्वीकार कर, आत्मा स्वीकार कर, ये तेरा कर्तव्य है। जिसने अपने आप को आत्मा स्वीकार किया, बतलाओ अब घुटनों के दर्द से तकलीफ पाएगा कि नहीं। अब शरीर की इस अशुचिता की चर्चा को सुन सुन करके, जब ये अशुचिता की चर्चा सुनी अब कितना तकलीफ पाएगा। अभी तक तो क्या होता था, किसी व्यक्ति ने हमारे को कह दिया यार तुम बहुत काले हो गए यार, तो एकदम ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम फीका पड़ जाता था, ये क्या हो गया चेहरे पर कितनी झुर्रियाँ पड़ गई, ये क्या क्या हाल बना रखा है तुमने। इतना कहते ही हम तो बिल्कुल जैसे डिप्रेशन में
बोलो सही बात है, तैयारी तो लगातार चलनी चाहिए। देखो आप सोचना जरा, कल्पना करना, क्या भैया दूसरी डाल का शटाशंद, दूसरी डाल की शटाशंद में क्या है, मैं सुखी दुखी में रंग रहा हूँ, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है, शरीर के नाश में अपना नाश मानता है। अभी कितनी तकलीफ होती है शरीर को, कोई व्यक्ति कुछ कह दे, अरे ये आपके सारे बाल उड़ गए, क्या हुए ये इतने सफेद बाल सर में, कोई कोई व्यक्ति शरीर के बारे में कुछ गलत कह दे, कोई अच्छी बात ना कहे, तो तुरंत हमें कितना दुखी फील होते हैं हम, हमें कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है। यहाँ कह रहे हैं इतनी अशुचिता का वर्णन कर देने के बावजूद भी ज्ञानी को तकलीफ क्यों नहीं होती, क्योंकि वो जानता है ये कितनी भी अशुचिता की बात करो, ये अशुचिता मेरी नहीं है, ये अशुचिता शरीर की है, ये तकलीफ शरीर की है, क्या ये जितनी भी तकलीफ है, जितनी भी मलिनता है, मलमूत्र में जिसके बारे में कहा गया है, ये मेरा नहीं है। देखो विशेषार्थ की कितनी सुंदर पहली लाइन श्लोक में आया हुआ, कर्माधीनत्व तत्व, ये शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। शरीर से मोह करने वाला अज्ञानी, शरीर के प्रति मोह करता है ये अज्ञानी जीव, स्वयमेव ही प्रसन्नता पूर्वक कर्म के अधीन हो गया है, हो रहा है, क्या स्वयं ही कर्म के अधीन हो गया है, स्वयं ही कर्म के अधीन हो रहा है, है? कर्म ने जीव को अपने अधीन नहीं बनाया है, स्वयं बना, कैसे बना? कर्म के उदय में अपनापन करके, कर्म के उदय से प्रभावित होकर स्वयं उसके अधीन हो रहा है। ये कर्म दुखी नहीं करते किसी को, क्या साहब, क्योंकि द्रव्य कर्म है ना, ये किसी को दुखी नहीं करते, सच्चाई यही है। ये जनागम का मर्म है सब, क्या करें साहब, पाप कर्म के उदय से दुखी है, पाप कर्म के उदय से दुखी, पाप कर्म के उदय से दुखी नहीं है, पाप कर्म के उदय से प्रतिकूलताएं हैं, नौकर्म मिलेंगे ना, द्रव्य कर्म के उदय से नौकर्म मिलेंगे, तो पाप कर्म के उदय से परिस्थितियां प्रतिकूल है, लेकिन तू अपनी मनस्थिति को संभालेगा तो ये कर्म का उदय तुझे तकलीफ नहीं देगा, सहज शांत भाव से रहे इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी। ये ज्ञानी जीव शांत भाव से रहते हैं, व्यापार शांति का वेदन करते हैं। अज्ञानी जीव जो देह को अपना मानता है, वो अपने आप को कर्म अधीन स्वीकार करता है, मैं क्या करूंगा, मेरे हाथ में क्या है, अरे राम मेरे तरह से पाप कर्म का उदय, मेरे पाप कर्म का उदय, मैं क्या करूँ, कि तेरे पाप कर्म का उदय, तू रोता है पाप कर्म के उदय से, देख ज्ञानियों को, कि नहीं नहीं साहब पाप कर्म का उदय तो बड़ा खतरनाक होता है, पाप कर्म का उदय देखो, पाप कर्म के उदय से ये जीव 11वें वर्ष स्थान तक जाकर के भी नीचे गिर जाता है, कर्म ने गिराया ना, क्या करें, देखो पाप कर्म का उदय ऐसा हो गया, उनके साथ ऐसा हो गया, अरे भाई साहब ये पाप कर्म से तो भगवान बचाए, भगवान बचाए, भगवान ने दिए थे क्या पाप तुझे, जो भगवान बचाएंगे, अपने परिणामों से दुखी है, कर्म से दुखी नहीं है, अपना दोष कर्म के ऊपर लगाएगा तो कर्म तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, और अपने स्वभाव की तरफ लक्ष्य करेगा तो कर्म थोड़ी देर तो तकलीफ देते हुए दिखाई देंगे और फिर छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसा ही हाल है, पत्थर बरसाता रहा कमट, उपद्रव करता रहा, फिर थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, जब पार्श्वनाथ स्वामी अपने घर से बाहर नहीं निकले, कहाँ चले गए थे पार्श्वनाथ स्वामी, अपने स्वभाव में चले गए, अपने घर में चले गए, पार्श्वनाथ स्वामी चले गए अपने घर में, और वो पत्थर कहाँ बरसा रहा था, पड़ोस में, शरीर के ऊपर बरसाने का प्रयास कर रहा है, सोच रहा है अब दुखी हो जाएंगे, इन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, दरवाजे बंद करके अंदर बैठे हैं। बोलो, आपके दरवाजे पर आकर के कोई उपद्रव मचाता रहे और आप दरवाजे बंद करके एसी चलाकर टीवी चलाकर हैं अंदर बैठे हो मजे से, आपको क्या फर्क पड़ रहा है, हो रहा होगा कुछ नहीं, कितनी आंधी चल रही है ना आजकल, एक दो दिन से बाहर बहुत,
और जिनके दरवाजे बंद हो उन्हें कितनी तकलीफ है। अरे नहीं साहब, बहुत धूल मिट्टी हो जाती है, बहुत कचरा हो जाता है, कितनी आंधी, अंदर देखो धूल ही धूल। ये दरवाजे बंद रखो ना, तुम दरवाजे खुले रखते हो, घर से बाहर निकलते हो तो कष्ट पाते हो, घर में रहने वाले को काई की तकलीफ बताओ। और सुनो, घर से बाहर निकलते ही तकलीफ ही तकलीफ है क्या? परदेश कलेश नरेशन को नीतिकारों की नीति है दीपेश जी, परदेश कलेश नरेशन को, नरेश हो राजा हो और वो भी यदि परदेश चला जाए उसको भी कलेश है। हम कोई राजा तो है नहीं, राजा नहीं है हम लोग, कितने भी वैभव संपन्न हो परदेश जाओगे तो कलेश और कष्ट तो भुगतना ही पड़ेगा। ये घर से बाहर निकलते ही परदेश शुरू हो गया क्या न्याल जी साहब? जिनके प्रदेश भिन्न हैं वे परदेश हैं क्या? परदेश मतलब प्रदेश भिन्न जिसके हैं वो सब हमारे लिए परदेश हैं, क्षेत्र भिन्न है उसका, वो परदेश है। अपने स्वभाव और अपने स्वक्षेत्र को छोड़कर इसका उपयोग यदि अपने से भिन्न प्रदेशत्व वस्तु के प्रति जुड़ा, बोले परदेश में चला गया। कौन गया? तेरा उपयोग, तेरा जो ज्ञान था, तेरा जो उपयोग था ना, ये उपयोग अपने देश को छोड़कर, स्वदेश को छोड़कर, स्वक्षेत्र को छोड़कर, अपने स्वभाव को छोड़कर कहां निकला? बोले निकल करके गया शरीर की तरफ। बोले अब क्या होगा? बोले कलेश, अब तो कलेश होगा। ये दिखा रहे हैं यहां, क्या करें भाई साहब, इसकी हालत कैसी है? कर्म ने जीव को अपने आदि नहीं बनाया, स्वयं कर्माधीन हुआ है। लौकिक जीवन में भी मनुष्य प्रयत्न पूर्वक नौकरी खोज खोज कर किसी को अपना मालिक बनाता है, जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए, किस क्या किया तुमने, मालिक बनाया है किसी और को। और जब कभी अपने कार्य विशेष या यात्रा आदि के को जाने के लिए मालिक अवकाश नहीं देता है तो ये कहता फिरता है मालिक हमें नहीं छोड़ता है। अब क्या कह रहा है, छुट्टी नहीं मिली ना, क्या करें साहब, मालिक छोड़ता नहीं है, मालिक छोड़ता नहीं है, तो उसको मालिक बनाया किसने ये बता उसको मालिक किसने बनाया था, ये परतंत्रता किसने स्वीकार की उसकी, उसकी आधीनता तो स्वयं ने ही स्वीकार की है ना, पर मालिक की आधीनता को तो स्वयं इसने ही स्वीकारा है। मालिक का कोई दोष नहीं क्या? मालिक का कोई दोष नहीं है, तूने मालिक क्यों बनाया? आज यदि तू नौकरी छोड़कर स्वाधीन हो जाता है तो बता, फिर तुझे वो रोक सकता है क्या? फिर नहीं रोक सकता है। तूने स्वयं ने पहले उसे मालिक बनाया, तूने स्वयं ने उसकी आधीनता स्वीकार की, अब कर्म का उदय दिखता है तो तू ये कहता है मैं क्या करूंगा अब कर्म का उदय। अरे भाई छोड़, दृष्टि हटा कर्म के उदय से और देख अपनी ओर, देखो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं आगे। इसी तरह जीव ने स्वयं राग द्वेष करके कर्मों का बंध किया है। इस जीव ने क्या किया? स्वयं राग द्वेष किए और कर्म का बंध किया है, और अब उन कर्मों के उदय काल में, कर्म के उदय काल में उनके निमित्त से स्वयं अपने परिणाम बिगाड़ता है क्या? कितनी सुंदर बात कह रही है, जीव ने किए राग द्वेष, किसने किए? जीव ने, बस इसीलिए तो काम नहीं हो रहा, जीव ने किए राग द्वेष। अरे हमने किए क्या? जीव माने कौन? ये जीव और आत्मा शब्द जब यहां शास्त्र में आता है तो ऐसे पढ़ते हैं जैसे थर्ड पार्टी की बात पढ़ रहे हैं, ये थर्ड पार्टी की बात पढ़ रहे हैं अपन, किसकी चर्चा चल रही है? इसी तरह जीव ने स्वयं राग द्वेष करके, माने हमने स्वयं राग द्वेष किए, मैंने स्वयं राग किया, मैंने स्वयं द्वेष किया करके कर्मों का बंध किया है।
और अब उन कर्मों के उदय काल में बांधे तो खुद ने थे, अब उदय काल में उनके निमित्त से स्वयं अपने परिणाम बिगाड़ता है। फल भोगने का समय आता है तो रोता है, बांधे किसने थे, बांधे तो मैंने ही थे, फिर रोता क्यों है फिर कि साहब क्या करूं, ऐसे पाप का उदय आएगा तो रोना तो पड़ेगा ही, कि बांधते समय क्यों हंस रहा था, उस समय क्यों नहीं विचार किया था, जब पाप किया था, जब पाप कर रहा था उस समय यदि विचार कर लेता तो अभी रोना नहीं पड़ता। कितना सुंदर पुराना भजन है, 300 साल पुराना, अज्ञानी पाप धतूरा ने बोए, क्या धतूरा माने जहरी का बीज, क्या अज्ञानी पाप धतूरा ने बोए। फिर आगे क्या लिखा, फल चाखन की, गला काम नहीं कर रहा मेरा, गाया नहीं जा रहा, फल चाखन की बार भरे द्रव मर है मूरख रोए, अज्ञानी पाप धतूरा न बोए। बोलो, फल चखने की बार जब आएगी, भरे द्रग आंखों में से आंसू बहेंगे, मरेगा मूरख रोएगा, मरी है मूरख रोए, तो क्या कह रहे हैं, इसलिए सुने अभी पाप मत कर, अभी ये पाप का बीज मत बो, यदि तू ये पाप का बीज बोएगा तो फिर क्या रहेगा कि जो फल लगेंगे रोना पड़ेगा तुझे, भविष्य में यदि रोना नहीं चाहता हो तो वर्तमान में ऐसे काम मत कर जो रोने के काम हो, जो भविष्य में रोने के लिए हो ऐसे काम मत कर। अरे साहब इतना बड़ा संकट आ गया, मत रो, कोई बात नहीं, हिम्मत रख, हिम्मत से काम ले, तेरी हिम्मत वर्तमान में तो उस संकट से उबारेगी ही और भविष्य में भी नया संकट नहीं दिलाएगी, तू परिणाम बिगाड़ता है। देख, राग द्वेष तूने किए थे, कर्म बंधे थे, उन कर्मों का फल मिला है, अब खोटा फल मिलने के बाद में करता क्या है कि खुद परिणाम बिगाड़ता है, उदय काल में उनके निमित्त से स्वयं अपने परिणाम बिगाड़ता है, और परिणाम बिगाड़ेगा तो किसका बिगड़ेगा, सामने वाले का, आने दो उसको, ऐसी तैसी कर दूंगा उसकी, कि उसकी ऐसी तैसी होगी कि नहीं होगी, तूने अपने परिणाम बिगाड़ के खुद की कर ली, क्यों देख लेंगे उसको, हम भी उसको सबक सिखा देंगे, ऐसा कर लेंगे उसके साथ में, क्या कर लेगा, अरे हाथ में है क्या चलती काएं तेरी, एक नाखून इधर से उधर हो जाए तेरी चलती नहीं है, तो सामने वाले का बदल देगा, कर लेगा, देख लेंगे हम भी, यही तो हम कह रहे हैं भैया, सिर्फ देखने का ही काम करो, ज्ञाता दृष्टा रहो, ये देख लेंगे, देख लेंगे, ये सुन आज तक अनादि काल से तूने देखा नहीं इसलिए तो दुख पा रहा है, एक बार यदि तू देखना सीख ले, ज्ञाता दृष्टा रहना यदि तू सीख ले तो फिर तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ ही इस बात की है कि ज्ञाता दृष्टापन छोड़कर कर्ता धर्ता बनता है, ये तकलीफ है, परिणाम मत बिगाड़, ये तेरी पूंजी है, ये तेरी संपदा है, कर्मों के उदय काल में उनके निमित्त से स्वयं स्वयं खुद ही अपने परिणाम बिगाड़ता है, अपने भाव बिगाड़ता है, अपराध स्वयं करता है और आरोप कर्म पर लगाता है, तो ये ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रसंग, देखिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्याय 9 प्रश्न क्रमांक 311 क्या लाइन लिखी है वहां, अपराध स्वयं करता है और अपना दोष आरोप कर्म पे लगाता है, मैं क्या करूं, कर्म है सब, मैं क्या करूं, गुस्सा क्यों कर रहा है, क्या करूं साहब, क्रोध नामक कर्म का उदय, झूठ बोलता है, जबरदस्ती कर्म के ऊपर दोष लगा रहा है, ये उल्लेख है वहां, अपराध स्वयं करता है और दोष कर्मों को देता है, ऐसी अनीति जैन धर्म में तो संभव नहीं है, कितना सुंदर बात है, कई बार बोलते ना, ऐसी अनीति जैन धर्म में संभव नहीं है, दोष स्वयं करता है और दोष कर्म के ऊपर लगाता है,
गलती खुद ने की, दोषारोपण कर्म के ऊपर कर दिया, ये अनीति है, ये बेईमानी है, ये धोखाधड़ी है, ये नहीं चलेगी। ऐसा मैंने क्या धोखा किया, ये धोखा दे रहा है तू, गलती खुद कर रहा है, दोष कर्म, कर्म का दोष बतलाना अनीति है। लो ये क्या कह रहे, कर्म का दोष बतलाना धोखाधड़ी है, कर्म का दोष बतलाना बेईमानी है, ये कर्म का दोष बतलाना सज्जनता नहीं है, ये कैसी बातें कर रहे हैं। फिर इसका क्या होगा, ये कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जीरा, तो कर्म दे रहा है ना सजा। बोलो ये इस लाइन का क्या होगा, एक तरफ तो आप ये कह रहे हो दोष कर्म के ऊपर लगाना अनीति है, बेईमानी है, अन्याय है, गलत बात है, ये ठीक नहीं है दोष कर्म के ऊपर लगाना। दूसरी तरफ शास्त्र भरे पड़े ऐसी बातों से, जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जीरा। सुनो सुनो, ऐसा नहीं कहा है कि कर्म तुझे तकलीफ दे रहा है, वहां तो यही कहा है कि तूने ही किए थे इसलिए तू ही भोगेगा, कर्म का कसूर नहीं है। क्या लाइन देखना ध्यान से, हमने सैकड़ों बार बोली है ये लाइन, नया अर्थ कर रहा हूं। क्या क्या भैया, सैकड़ों बार सुनाई है ये लाइन, सैकड़ों बार सुनाई है और 25 से ज्यादा बार अर्थ किया है इस लाइन का 10 लक्षण में। सुनो, जे कर्म पूरब किए खोटे, किसने किए, किसने किए, कर्म ने किए, किसने थे, हमने किए थे ना, सहे क्यों नहीं जीरा, कौन सहेगा, कर्म, आस पड़ोस वाले, परिवार वाले, किए भी हमने ही है और भोगेंगे भी हम ही, यही तो कहा है इस लाइन में। क्या इस लाइन में ये थोड़ी ने कहा है कि कर्म तुझे तकलीफ देंगे, इसमें क्या समझा अपन ने, अरे नहीं साहब कर्म का फल मिलेगा भोगना ही पड़ेगा साहब, हम क्या करें साहब, कर्म तो अच्छे अच्छे को छोड़ते नहीं है, कर्म तो सबको सजा देते हैं, कर्म का फल तो सबको मिलता है, ये कर्म पूरा किए खोटे सहना ही पड़ेगा साहब, कर्म का फल मिलेगा भोगना ही पड़ेगा। अरे लेकिन किए खुद ने थे, उसको भोग रहा है, कर्म को नहीं भोग रहा है, कर्म तकलीफ नहीं दे रहा है, कर्म ने तेरा नहीं बिगाड़ा है, तूने बिगाड़ा था अपने आप का, उसका रिफ्लेक्शन यहाँ दिखाई दे रहा है। क्या बिगाड़ा था तूने, तूने ये बिगाड़ा था कि अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं किया था, ये बिगाड़ है सबसे बड़ा, ये स्वीकार कर तू अपने आप को आत्मा, लिखा डॉक्टर बल दूसरे अध्याय में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दूसरे अध्याय में लिखा, कर्म में तो ज्ञान भी नहीं है भैया, और कर्म तो धूल मिट्टी जैसे, उसमें तो ताकत भी नहीं है, वो तुम्हें कैसे कष्ट देगी, उनकी दया नहीं, बताओ लिखा है, कष्ट देने के लिए दो बात आवश्यक है, ज्ञान चाहिए, उससे अधिक शक्ति, उससे अधिक शक्ति चाहिए, कोई कोई कष्ट दे रहे तो कष्ट देने वाले में समझ तो होनी चाहिए कि कष्ट देना है, कर्मों को तो पता ही नहीं है इस बात का। सहज ऐसा निमित्त निमित्त संबंध है भाई, इसी प्रकार का संबंध है कि वो कर्म परमाणु स्वयं भी स्वयं इस तरह से परिणमित होते हैं और जीव उस कर्म के उदय में स्वयं राग द्वेष करके दुखी होता है। लेकिन भाई ये अनीति है कर्म के ऊपर दोषारोपण करना, वो कर्म कहते हैं मैं क्या करूं। अच्छा बतलाओ, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, किसी व्यक्ति ने कुछ गलती की, कुछ अपराध किया, कुछ हत्या कर दी, चोरी कर दी, बेईमानी कर दी, पुलिस पकड़ करके ले गई, केस चला उसके ऊपर, केस में चलने के बाद में जो मजिस्ट्रेट था उसने सजा सुना दी, मजिस्ट्रेट ने सजा दी, अब मजिस्ट्रेट ने सजा दी तो वो जो व्यक्ति है जिसको जेल हो रही है वो ये कहे कि यार मैं क्या करूँ, सारी गलती इस मजिस्ट्रेट की है, ये मुझे सजा दे रहा है। मजिस्ट्रेट से पूछो क्यों साहब तुमने क्यों सजा दी इसको, तो कहे यार मैं क्या करूँगा, मेरा कुछ करते मैं कुछ नहीं हूँ करने वाला, इसने की थी उसकी सजा मिल रही है, मैं नहीं हूँ। मैंने कर्म से यदि आप पूछोगे कि भैया क्यों तकलीफ दे रहा है, तो कर्म क्या कहेगा, मैं नहीं देना चाहता हूँ भैया, मेरा कुछ लेना देना नहीं है इसमें, ये तो जैसा इसने किया था ना। वो मजिस्ट्रेट कहेगा मुझे तो हस्ताक्षर करने पड़ रहे हैं, मुझे तो इसको ये सजा लिखनी पड़ रही है, मैं नहीं हूं, मैं नहीं चाहता था कि मैं इसको सजा दूं। अच्छा बतलाओ, मजिस्ट्रेट का यदि कोई
सगा जानने वाला परिचित हो, उनका भांजा हो, उनके चाचा जी हो, उनके काका जी हो, कोई भी हो समझ लो आप, है ना, उसके ऊपर केस चल रहा है। अब वो बहुत अपनापन भी है लेकिन लिखना पड़ रहा है, उसको सजा देनी पड़ रही है। अब वो कहेगी तुमने क्यों दी सजा, तुम्हारे हाथ में थी ना चलाना, फिर क्यों दी? अरे यार मैं क्या करूँ यार, ये जो है ना, ये किताबों में लिखा है, ये ऐसा ही है, इतना जरूरी है, मैं छोड़ नहीं सकता था तुम्हारे, नहीं छोड़ना है, मैं ऐसा छोड़ ही नहीं सकता हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी गलती नहीं है, ऐसी कर्म की कोई गलती नहीं है, कर्म बेचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, पूजन की पंक्तियाँ हैं, कर्म बिचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात लोहे की संगति पाई। अग्नि भी पिटती है, पता है आपको, कम लोहे की संगति में, लोहे को जो गर्म किया जाता है क्या लाल सुरख हो जाता है वो लोहा, पीटते हैं उसको, तो कौन पिट रहा है, अग्नि भी पिट रही है, ये क्यों पिट रही है, कि तूने लोहे का साथ दिया, लोहे की संगति करी तो पिट रही है। अब बता कि क्यों क्यों तकलीफ पा रहा है, कि मैंने इस शरीर के प्रति अपनापन किया इसलिए तकलीफ पा रहा हूँ, कि तकलीफ से बचना हो तो उपाय क्या है, ये संगति और साथ छोड़ दे शरीर का, फिर तकलीफ नहीं मिलेगी तुझे। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, जीवंदर कुमार का दूर जाने का विचार विचार बना लिए भैया, ये तो ये यहाँ रहना ठीक नहीं है, इस जगह पर ये गलत इरादे हैं इसके, सामने से जो ये आ रही है ये, यहाँ से अपन बढ़ जाओ आगे। देखो जीवंदर कुमार का दूर जाने का विचार, 40 नंबर का श्लोक, मदीयम मास लम्मास ममीवांसे मंगना वश्यन्ति पार वश्यांधा ततो याम यात्मनेत्थवा। विचार शून्य है स्त्री, विचार से शून्य है, बिल्कुल विचार नहीं कर रही है, बुद्धिहीन है, इसमें बिल्कुल समझ नहीं है। विचार शून्य यह स्त्री हर्ष पुष्ट मेरे शरीर को देखकर काम की पराधीनता से अंध हो गई है, इसके हित के लिए अथवा अपनी आत्मा के हित के लिए मैं यहाँ से जाता हूँ। पहले से उसका भी भला है और मेरा भी भला है, वो अंध हो गई है, उसको उसको कुछ विवेक नहीं है, वो काम से पराधीन होकर के अंध हो गई है, तो इसलिए यहाँ से चले जाने में ही समझदारी है। देखिए सरल अर्थ पढ़ते हैं, बात क्या कह रहे हैं, जीवंदर कुमार विचार कर रहे हैं कि विवेकहीन ये विद्याधरी युवती, देखो जब विवेक चला जाता है ना तो कुछ नहीं सूझता है इसको, क्या काम जो है ना विवेक को खा जाता है, क्रोध भी खा जाता है, दुनिया के जितने विकार हैं ये सारे के सारे विकार हमारे ज्ञान को और विवेक को खा जाते हैं। जब अंदर में अभिमान चढ़ता है तो ज्ञान चला जाता है, जब मायाचारी हावी होती है तो ज्ञान चला जाता है, जब लोभ हावी होता है तो ज्ञान को पता नहीं कहाँ ताक में, ये सौदा करने से पहले बुद्धि नहीं थी क्या बिल्कुल भी, तुझे पता नहीं था क्या, ये इतना भी कोई देता है क्या, कहाँ से मिलेगा, लेकिन वो जो लोभ था ना वो इतना हावी हो गया क्या, कि वो तेरे ज्ञान तेरी बुद्धि तेरी समझदारी को ताक में धर दिया और तू आ गया चक्कर में, लोभ खा जाता है, लोभ हो चाहे मायाचारी हो, मान हो चाहे क्रोध हो, है काम हो, ये सारे विकार जितने विकार हैं ये सारे के सारे विकार इस जीव को विवेक शून्य कर देते हैं, ये जीव विचार शून्य हो जाता है, विवेक शून्य हो जाता है, बुद्धिहीन हो जाता है, हम क्या कहें इसकी बुद्धि पे पत्थर पड़ जाते हैं। ये कह रहे हैं जीवंदर कुमार विचार कर रहे हैं, ये तो समझदार है, ये तो विवेकवान है, विवेक शून्य तो वो है, ये जीवंदर कुमार विचार कर रहे हैं कि विवेकहीन है विद्याधरी युवती मेरे हर्ष पुष्ट एवं सुंदर शरीर को देखकर कामंद हो गई है, अतः इसके शील की रक्षा के लिए उसके शील की रक्षा के लिए और अपने हित की दृष्टि से मैं स्वयं ही इस वन को छोड़कर अन्यत्र चला जाता हूँ, हित को छोड़ करके मैं अन्यत्र चला जाता हूँ।
दूसरी जगह पर मुझे चले जाना चाहिए। देखिए विशेष अर्थ में, मार्ग में गमन करते समय अपनी ओर कोई अविवेकी सांड उधम मचाता हुआ और हुंकार करता हुआ आ रहा हो तो विवेकशील मनुष्य को स्वयं अपना रास्ता बदलकर सुरक्षित मार्ग से चले जाने में ही हित है। कितना कितना सुंदर उदाहरण दिया, बोलो क्या करें। कोई सामने से सांड को चला आ रहा है भागता हुआ, क्या करो। तो बैल आ रहा है सामने से, भैंस आ रही है, गाय आ रही है, कोई भी, और कोई उधम मचाता हुआ उछल कूद करता हुआ तुम्हारे पास में आ गया, अब क्या करना है। बोलो खड़े रहो, आने दो, या तुम उसकी तरफ बढ़ोगे, रास्ता बदल दो भैया साइड में। तूफान तक में रास्ता बदल लेते हैं, आपको पता है ये जो समुद्री मार्ग से जाने वाले जितने लोग होते हैं उन्हें ये पता चल जाए कि 10-20-25 किलोमीटर बाद में कोई तूफान आ रहा है, इस तेज गति से इस तरफ बढ़ रहा है, वो रास्ता बदल लेते हैं अपना, जिस रास्ते पर तूफान आने की संभावना है ना, और इतना तक पता लग जाता है कि 2 दिन बाद में इधर से तूफान होकर के गुजरेगा, 2 दिन बाद में उनके सारे वो यंत्र मशीनें सब बतला देती हैं वो, तो वो उस रास्ते पर चलते नहीं हो, वो दूसरा रास्ता चुनते हैं, समुद्री मार्ग भी। विमान चलाने वाले कोई समझदार व्यक्ति आ बैल मुझे मार ऐसा काम नहीं करेगा। तो अपना रास्ता बदलने की बात कही, मार्ग में गमन करते समय अविवेकी सांड चला आ रहा है दौड़ता हुआ, उधम मचाता हुआ चला आ रहा है, हुंकार करता हुआ चला आ रहा है, कोई शेर आ जाए कोई जानवर, ये तो छोड़ो सामने से कोई कुत्ता भी आ रहा हो या अपना रास्ता बदल लेता है। बिल्ली रास्ता काटे तो कई बदलते हैं, ये रास्ता बदल लेना चाहिए। विवेकशील मनुष्य को स्वयं अपना रास्ता बदलकर सुरक्षित मार्ग से चले जाने में ही हित है। अतः जीवंदर कुमार का वहां से अन्यत्र दूर जाने का विचार योग्य ही है। बात तो बहुत नीतिकारों की ऐसी गजब की कह दी, समझदारी के समय तो हो गया है अपना, आगे तो नहीं बढ़ूंगा, लेकिन इतनी सुंदर बात इन्होंने यहाँ कहती है, विवेकवान व्यक्तियों की बात। आप देखिए जहाँ आपके लोभ उत्पन्न होने की संभावना हो, जहाँ आपके क्रोध उत्पन्न होने की संभावना हो, ये क्या कह रहे हैं, ये प्रसंग तो इन्होंने ये बतलाया है कि वो छोड़ करके चला गया। उदाहरण में इन्होंने ये कहा है कि कोई व्यक्ति उपद्रव करता हुआ दिखाई देवे या कोई बैल सांड इस तरह से दौड़ता हुआ आए तो रास्ता बदल लेना चाहिए, लेकिन इसके कितने मर्म निकलते हैं इस वाक्य के। ऐसे प्रसंग पर नहीं बैठे रहना चाहिए जिस प्रसंग पर कोई व्यक्ति आपके ऊपर क्रोध करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी जगह पर नहीं बैठे रहना चाहिए जहां आपके परिणाम बिगड़ने की संभावना दिखाई दे रही है। ऐसी जगह पर, ऐसे शोरूम पर नहीं घुसना चाहिए जिस जगह पर आपका मन बहुत अधिक लोभ से लालायित हो जाए, नहीं और गजब की चाहिए और यार इसको ले लो। तो भाई साहब आप कंट्रोल करो, कितनी सुंदर सुंदर बातें, कितने रहस्य निकलते हैं भैया बतलाओ, इसमें से कितनी बातें निकलेगी। अपने लोभ को कंट्रोल करने के लिए ऐसे प्रसंगों से बचना चाहिए जिन प्रसंगों से अपना विवेक शून्य होता हुआ दिखाई देवे, जहां अभिमान तीव्र होने की संभावना हो उनसे बचना चाहिए। सर्व विकारों से बचने की बात करो, समझदार आदमी क्या करेगा बतलाओ। जहां अभिमान होने की संभावना हो, जहां लोभ होने की संभावना हो, जहां क्रोध आने की संभावना हो, जहां काम विकार उत्पन्न होने की संभावना हो, जहां विषय कषायें तीव्र उत्पन्न होने की संभावना हो, तो समझदार व्यक्ति अपने आत्म कल्याण की भावना से मार्ग बदल लेता है, रास्ता अलग चुन लेता है। निर्णय महत्वपूर्ण है। ऐसी जगह पर मत जाओ जहां जो आपके बैठने योग्य जगह नहीं हो, जिस जगह पर बैठ करके लोग ताश पत्ती खेल रहे हैं, ये क्या करें, बैठ जाओ भाई, बैठे मत रहना, क्या रास्ता बदल लेना अपना, ये सज्जन पुरुषों के बैठने योग्य जगह नहीं है। क्या चार लड़के लोग मिलकर के शराब पी रहे हो, अब ये बैठने योग्य जगह नहीं है, रास्ता बदल लेना अपना। अरे नहीं नहीं अपने क्या फर्क पड़ता है, काजल की कोटरी में के तो ही प्रवीण जाए, एक दाग लागे पर लागे ही लागे। रास्ता बदलने के लिए कह रहे हैं
जगह बदल लो, ठिकाना बदल लो, जहाँ आपको कहीं कुछ गलत होने की संभावना दिखाई देवे, अरे जहाँ आपको रास्ते में चलते हुए पैर फिसलने की संभावना दिखाई देवे, तो रास्ता बदल करके चलो ना सावधानी से। उस चिकनाई के ऊपर पांव क्यों रखते हो? इन्हें नहीं, फिर भी देखता हूँ मैं, फिसलूंगा नहीं, बहुत सावधानी से चलूंगा मैं तो। अरे तो इधर सूखा है ना दूसरी जगह, उधर से क्यों नहीं चलता है? बात एक कही है, लेकिन ये नीतिकारों के इस वाक्य के पीछे छिपा हुआ मर्म बहुत गंभीर है। कदम कदम पर सावधानी रहने के रखने की प्रेरणा यहाँ मानो वादिक सिंह सूरी ने हमें प्रदान की है, और हम सभी अपने जीवन में हर जगह पर सावधान रहेंगे, किसी भी प्रकार की कषाय हो और किसी भी प्रकार का विकार हो, सब जगह पर अपने आप को सुरक्षित और सावधान रखेंगे। इसी भावना से मैं बात को यहीं